ज्वालामुखी में आज टैक्सी यूनियन का गठन किया गया, जिसमें मुंशी राम को प्रधान, शशि कुमार को उप प्रधान, रोहित सूद को सचिव और प्रदीप कुमार को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही कार्यकारिणी में रमेश चंद्र, सुनील कुमार, कुलदीप कुमार, सुनील जगदेव, विजय कुमार को सदस्य मनोनीत किया गया। बताएंगे कि जो कार्य किया आपने किस उपलक्ष्य पर किया? आज दिनांक 3 तारीख को जो है हमारी ज्वालामुखी टैक्सी यूनियन की मीटिंग जो है जो इसका इलेक्शन हुआ, और ये इलेक्शन जो है हमारा खास करके वो है केना यूनियन को रजिस्टर कराने के लिए और कोई भी सरकार से हमें हक मांगने के लिए, और केना इनकी जो मैं प्रधान चुना है इन्होंने, मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, और इनका जो भी केना खराब बुरा जो भी होगा उसके लिए मैं इनका पूरा सहयोग करूँगा, और यूनियन के लिए मैं आज से पहले भी और आगे भी दिल लगा के काम करूँगा, और जो भी मैं सब चयन के लिए होगी उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, और मैं इन्हीं सभी टैक्सी ऑपरेटर और मालिकों और चालकों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और आगे के लिए भी इनके लिए मैं शुभकामना चाहता हूँ और इनको भी मैं शुभकामना देता हूँ। तो आप बता सकते हैं कितने पदाधिकारी बने आपके आज? मेंबर कितने बने? मेंबर के नाम बताओ। इसमें 5 मेंबर बने हुए जी, और 5 एक प्रधान प्रधान जो है 5 मेंबर बनाए गए, एक केनावा कार्यकारिणी का गठन किया गया है, उसका नाम जो है केनावा एक अपना प्रदीप जी केनावा जो है हमारे वो कोषाध्यक्ष हैं, और उप प्रधान जो है वो केनावा सचिव है, और उसमें सलीम जो है वो कार्यकारिणी का सदस्य है, और क्या नाम अपना रमेश कुमार एक कार्यकारिणी का सदस्य है, सुनील कुमार एक कार्यकारिणी का सदस्य है, और रिंकू एक कार्यकारिणी का सदस्य है, कुलदीप जो है वो भी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है, और हमारी यूनियन का जो है व्यवहार क्या नाम है सही तरीके से और ठीक अपने होशवास में सब ने अपना मत का अधिकार किया और चुनाव यूनियन को गठन किया। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ज्वालामुखी से गुरुदेव राणा की रिपोर्ट। मैं विधायक सप्पा राजादा अपना सदर प्रदेशवासियों को मैं और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली का शुभ अवसर खुशियों भरा। मैं विवेक शर्मा जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ऊना अपनी तरफ से अपने कांग्रेस परिवार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एक्सप्रधान हरिमोहन सिंह जी अपने ओर से अपने गांव वासियों प्रदेशवासियों और देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विनोद ठाकर निवासी दौलपुर चौक मंडी बोर्ड जिला ऊना का सदस्य जयराम ठाकुर जी की और विधायक श्री राजेश ठाकुर जी की कृपा से एक ग्रेट मंडल की तरफ से मुझे आप जी ने मौका दिया सेवा करने का, इसके उपलक्ष्य में मैं सभी इलाका निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की देता हूं। मेरी और मेरे मंडल की तरफ से जो भी सेवाएं सभी के घर घर में खुशी की लहर आए और सभी को घर घर दीप जलाए। धन्यवाद। शुभ दिवाली। शुभ दिवाली। मैं दीपावली के सभी महिलाओं को दिवाली के ऊपर सब देशवासियों को दीपावली की बधाई देती हूँ। मैं लक्ष्मी दयाल क्राइम कंट्रोल स्टेट की प्रेजिडेंट, मैं बीजेपी से संबंध रखती हूँ और संगठन में बीजेपी में काम कर रही हूँ लगातार। मैं अपनी तरफ से और गगरेट की जनता की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट उन्ना की तरफ से मैं सभी लोगों को दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ जी, और कामना करती हूँ ये दिवाली का त्यौहार सभी लोगों के लिए बड़ा ही शुभ कामनाओं के साथ आए और खुशियां भर लाए। मैं राममूर्ति शर्मा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र गगरेट, समस्त ग्राम वासियों और समस्त कार्यकर्ता बूथ स्तर तक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ में
ब्रजेश सागर जिनके लोगों द्वारा वोट डालने पर जो विधायक बने उनकी ओर से भी मैं समस्त इलाका वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं प्रवीण कुमार दुआ मैनू कुटलहड़ ब्लॉक कांग्रेस का बसाल का अध्यक्ष सुरिंदर सिंह जी ने बनाया है। मैं उन्हों का बहुत धन्यवादी हाँ। तो प्रदेश वासियों तो देश वासियों मेरे वालों दिवाली दियाँ तो शुभकामना बहुत बहुत शुभकामना। प्रदेश महिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल हिमाचल प्रदेश पूरे प्रदेश वासियों को जिला ऊना वासियों को ग्रेट विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को समस्त कांग्रेस सेवा दल की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं देती हूं। एसी शर्मा अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अपर कुटलहड अपनी तरफ से कुटलहड वासियों देशवासियों प्रदेश वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूं।